नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X6 5G versus Nothing Phone 2 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X6 5G में 6.32 इंच जबकि 2A 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X6 5G में 2.93 इंच जबकि 2A 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X6 5G में 0.32 इंच जबकि 2A 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि X6 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X6 5G में 181.2 ग्राम जबकि 2A 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि X6 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X6 5G में AMOLED जबकि 2A 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X6 5G में 6.67 इंचेस जबकि 2A 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X6 5G में 1220x2712px FHD जोड़ और 2A 5G में 1084x2412px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X6 5G में 90.05% जबकि 2A 5G में 87.8% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X6 5G में 446 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 2A 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X6 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 2A 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X6 5G में 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 2A 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 2A 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X6 5G में Adreno 710 जबकि 2A 5G में Mali G610 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X6 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और 2A 5G में MediaTek Dimensity 7200 Pro MT6886 मिलता है। बात करें RAM की तो X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB, 12GB की RAM मिलती है, जबकि 2A 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 2A 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X6 5G में Android V13 जबकि 2A 5G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी X6 5G में 5100 mAh जबकि 2A 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X65G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹18,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹23,999, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ ₹21,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 2A5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹23,999, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹25,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹27,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X65G आगे है, मेन कैमरा में X65G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X65G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रीनो 11 5G है, दूसरा पोको X6 नियो 5G है, तीसरा रियलमी नाजो 70 प्रो 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो T3 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।